मुंबई के गोरेगांव पूर्व में बसे आरे कॉलोनी के जंगलों में मेट्रो ट्रेन के शेड को बनाने के निर्णय को लेकर जहां कई राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संस्था और पर्यावरण प्रेमी इसका विरोध कर रहे थे, वहीं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के आठवले ग्रुप के रमेश गायकवाड़ के नेतृत्व में एक मोर्चे का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदर्शन कर रहे आरपीआई के युवा मुंबई अध्यक्ष रमेश गायकवाड़ ने कहा कि आरे में जो बन रहा है मेट्रो शेड को रोक कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न करे। इससे पहले ही सरकार ने आरे क्षेत्र में हजारों पेड़ लगवाए हैं, इसे किसी प्रकार का कोई पर्यावरण का खतरा नहीं है। फिर से हमारे मुंबई संवाददाता अकबर शेख की एक खास रिपोर्ट। मांग है कि मुंबई का विकास होना चाहिए, मेट्रो जल्द से जल्द मुंबई वासियों के सेवा में आनी चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आरे में ही कार शेड होना चाहिए, और महाराष्ट्र सरकार ने जो निर्णय लिया है कि आरे में ही कार शेड होगा, वो निर्णय का हम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और देश के समाज कल्याण मंत्री रामदास आठवले साहब, उन्होंने स्वागत किया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग है कि आरे में ही कार शेड होना चाहिए और जल्द से जल्द मुंबई का विकास होना चाहिए। मुंबई वासियों को जो तकलीफ हो रही है आने जाने के लिए ट्रेन से वगैरह, और उसके वजह से काफ़ी लोग दिक्कत में आए हैं। और दूसरी बात मैं कहना, जो विरोध कर रहे कार सेट के लिए, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, शिवसेना हो, आदित्य ठाकरे जी हो या कोई राखी सावंत हो, वो राजनीति करने का काम कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ मुंबई शहर वासियों को कि यहाँ जो पर्यावरण का मसला है, एक झाड़ लगा है तो 2-10 झाड़ लगाते हैं, और महाराष्ट्र सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस साहब की सरकार थी, तभी हजारों झाड़ का प्लांटेशन यहाँ किया गया है। वो ऑक्सीजन का या पर्यावरण का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ, अगर भारतवासी और मुंबई वासी, महाराष्ट्र सरकार अगर कानून को मानती है, सुप्रीम कोर्ट को मानती है, तो यहाँ आरे में कार शेड होना चाहिए, ऐसी रिपब्लिकन पार्टी की मांग है। इसलिए हमने आज महाराष्ट्र सरकार के फेवर में हम लोग ने आंदोलन किया है। पेड़ काटा नहीं है, महाराष्ट्र सरकार ने भी पेड़ काटा नहीं है। जब महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब और उद्धव ठाकरे सरकार जो थी, तभी पेड़ काटे गए थे, और उसके बदले में हजारों पेड़ का यहाँ वृक्षारोपण किया गया है। और महाराष्ट्र सरकार जो इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया है कि कार शेड होना चाहिए, इसका मतलब है कि पर्यावरण को या किसी नागरिक को यहाँ कोई नुकसान पहुंचने वाला है ही नहीं है। इतना पहाड़ सर पे उठाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मुंबई शहर में बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग बनाने के लिए भी सैकड़ों झाड़ काटे जाते हैं, तभी पर्यावरणवादी मुद्दा मसला उठाते नहीं है। मैं पर्यावरणवादियों से कहना चाहता हूँ कि वह फॉरेस्ट में रहने वाले या हर एक कॉलोनी में रहने वाले लोगों के लिए, आज भी उनके घर में लाइट नहीं है, आज भी संडास नहीं है, आज भी रास्ता नहीं है, आज भी पानी नहीं है, उनको सुविधा देने के लिए पर्यावरणवादी वालों ने आंदोलन करना चाहिए, बल्कि विकास के आड़ आना नहीं चाहिए। ऐसी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मांग है। और मैं महाराष्ट्र के जो उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे जी, उनको मैं अभिनंदन करता हूं, और उनको कहता हूं आपका जो निर्णय है वो महाराष्ट्र और मुंबई शहर के लोगों के हित का निर्णय, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। क्या आरे कारसेट को लेकर अब आगे से पेड़ नहीं काटे जाएंगे इस तरह? ये बिल्कुल नहीं काटे जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, महाराष्ट्र सरकार भी जितने काटने के थे वो काटे हुए पेड़ है, और उसके बदले में बहुत सारे प्लांटेशन यहाँ